श्रीधाम वृंदावन में पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो कि गरीब व असहाय लोगों की सहायता करने में हमेशा आगे रहती है। यह संस्था एक दो साल से नहीं बल्कि 60 से 70 साल से लोगों की हमेशा सहायता करने में हमेशा आगे रही है। गरीबों को भोजन देने की बात हो व महिलाओं को उनके हक दिलाने की बात हो, यह संस्था हमेशा सबके हक में खड़ी रही है। आइए संस्था के संचालक से जानते हैं संस्था के बारे में है और संस्था किन लोगों की सहायता करती है इसके बारे में भी जानते हैं। ये हमारे श्रीधाम वृंदावन के अंदर में एक बहुत ही अच्छी एक संस्था है। मैं काफ़ी समय से मैं भी देखता हुआ आ रहा हूँ इनको, और ये हर महीने कुछ ना कुछ गरीब विधवा माताओं को, गरीबों को, बेसहारा है जो, और ये कुछ ना कुछ सामान यहाँ पर बांटते रहते हैं। डेली इनका जो बांटने का सिस्टम है, दूध और ये सब्जी, ये इनकी डेली यहाँ पर बढ़ती है। यहाँ पर ये दिखाएं मेरे कि ये देखो, ये सब्जी की पैकिंग यहाँ पर हो रही है काफ़ी संख्या में। ये पैकिंग देखो, काफ़ी आलू है, टमाटर है और तोरई है, भिंडी है, सभी तरह की सब्जी है। हाँ, क्या शुभ नाम क्या पड़ेगा? शशि रानी विश्वास। शशि रानी विश्वास, ये करीब 5 साल हो गया। 5 साल हो गया 2015 से आपने से। ये हाँ। किसकी प्रेरणा से ये हुआ कार्य? ये हमारी गुरुजी परमहंस योगानंद जी, ये परमहंस योगानंद जी हैं, ये महाराज जी हैं। ये अभी इस प्रेरणा से विधवा असहाय गरीबों की मदद करने के लिए ये संस्था वृंदावन में आया। ये संस्था तो बहुत सालों से चल रहे हैं। कितने साल से चल रही है ये तो इतनी जानकारी नहीं है, बहुत सालों से, यानी आपकी जानकारी में नहीं है, पर काफी समय से कम से कम नहीं तो 60-70 साल की, उससे भी ज्यादा होंगे। अच्छा, वृंदावन के अंदर? वृंदावन के अंदर ये 5 साल हुई आए। 5 साल हो गए अभी। कितनी ये वृंदावन में यहीं पर बांट रहे हैं या कहीं अन्य जगह भी आपको? राधा कुंड में है, राधा कुंड में, वृंदावन में मोती झील है और गोपीनाथ बाजार है और पानी घाट है, गौरानगर है और गोपालखार, राधा टीला है और टेम्पू स्टैंड, ये बस स्टैंड पे हमारा ऑफिस है। अभी महीने, हर महीने में कितनी महिलाओं को आपके द्वारा ये राशन दिया जा रहा है? ये कम से कम हजारों से ऊपर है। हजारों से भी ऊपर है, हजारों से ऊपर सेवा दिए जा रहे हैं। और ये सेवा आपके द्वारा ये वितरण हो रहा है, ये आपके पास में ये व्यवस्था कहाँ से आ रही है, किसके द्वारा भेजी जा रही है? ये हमारी ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट की तरफ से ही आ रहे हैं। ये भक्तों के द्वारा? हाँ, ये ट्रस्ट, हाँ, भक्तों की, हाँ, ट्रस्टों में, ट्रस्ट के माध्यम से, और ये सब कार्य हो रहा है। अच्छा, डेली का आपका क्या रूटीन होता है, डेली क्या बांटना होता है? डेली ये दूध सब्जी, दूध और सब्जी। और क्या क्या बांटते हो महीने में? महीने में जो राशन बढ़ता है उसमें 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो तेल, 100 जीरा, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम चाय पत्ती, 100 ग्राम नमक की पैकेट, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, नहाने का सिरका तेल और उसमें और नमक, बाकी मतलब जो जीरा, कहने का मतलब है कि एक माता को इतना सामान यहाँ से मिल जाता है कि वो एक महीने का गुजारा बहुत ही आराम से वो कर सकती है। और किराया दिया जाता है, कुछ माताओं को किराया भी दिया जाता है, कुछ माताओं को जैसे खाना बनाने की गैस चूल्हा नहीं है, गैस चूल्हा भी दिया गया, पहले पलंग दिया है, नीचे सोने के लिए जगह मट्टी में सोते हैं तो पलंग दिया है, गद्दा दिया, रजाई दिया, कंबलें दी, मतलब उनकी जो फैसिलिटी और इलाज भी कराते हैं, वो परेशानी होती है तो उनको ले जा के इलाज भी कराते हैं, उनका मेडिकल सेवा भी आपके द्वारा। यदि कोई विधवा माता है, जैसे कोई वृद्ध है और उसका देहांत हो जाता है, उसका करते हैं, वो भी करते हैं, यानी उसको भी आप दाह संस्कार पूरा क्रियाक्रम आपकी संस्था के द्वारा हो रहा है, बराबर करते हैं? बराबर हो रहा है। देखो ये कितना सुंदर कार्य मेरे श्रीधाम वृंदावन के अंदर में। मैं वृंदावन में ये एक ऐसी संस्था को ही देख रहा हूँ जो कि ये बहुत ही अच्छे कार्य को करती है, जबकि वृंदावन के अंदर में अच्छे अच्छे धनाढ्य संस्था हैं, पर उनके द्वारा ये सब ना देखते हुए इस संस्था के द्वारा मैं इस कार्य को बहुत सुंदर तरीके से देख रहा हूँ। और मैं राधा रानी से प्रार्थना यही रखूँगा कि ऐसे ही अपनी सेवाओं को चलाते रहें, और ये हमारे श्रीधाम वृंदावन का नाम भी इसमें उजागर होता रहेगा। बोलो राधे राधे।